नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। एक और अहम मुद्दे के साथ हाजिर हूं मैं श्वेता मिश्रा। बेशक देश का युवा देश का भविष्य है, लेकिन जब पढ़ाई पूरी कर लाखों युवा बेरोजगार हो तो देश के सुनहरे भविष्य का दावा कैसे किया जा सकता है? खुशहाली की कल्पना कैसे की जा सकती है? विकास के ख्वाब कैसे बुने जा सकते हैं? हर हाथ को रोजगार देना किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता में शुमार होना चाहिए। सूबे के मुखिया भी इस बात को बखूबी जानते हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेरोजगारों के दर्द को समझते हुए प्रदेश में बंपर भर्तियां निकाली हैं। 4,200 से ज्यादा पटवार के पद हो या 5,000 कांस्टेबल या फिर हाईकोर्ट में खाली पड़े 3600 से ज्यादा पदों पर भर्तियां, हर ओर भर्तियों का अंबार है। 5,000 व्याख्याताओं के लिए 3 जनवरी से परीक्षा होनी है। वहीं सीएम गहलोत ने 3,000 स्कूल व्याख्याता भर्तियों की सौगात और दे दी है। इतना ही नहीं, 2 अगस्त को 31,000 शिक्षकों के लिए रीट परीक्षा का आयोजन होगा, यानी जहां देखो वहां नौकरियां ही नौकरियां। लेकिन वही केंद्र सरकार की नौकरियों की बात जो रहे, युवाओं का इंतजार आज भी बरकरार है। शायद यही कारण है कि केंद्र सरकार से युवा ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। नौकरी मिलना तो दूर, मंदी के चलते निजी क्षेत्र में भी लोगों की नौकरियां जा रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अब की बार कौन दे रहा है रोजगार? सीएम गहलोत ने खोला नौकरियों का पिटारा, मौका देकर बेरोजगारों का भविष्य सवारा। वहीं दूसरी ओर रोजगार के मुद्दे पर केंद्र कर रहा किनारा। पीएम मोदी से पूछे युवा, आखिर क्या होगा हमारा? ना तो मेक इन इंडिया से युवाओं को नौकरी मिली और ना ही केंद्र सरकार की ओर से भर्तियां निकाली जा रही है। ऐसे में उठते हैं सवाल कि नौकरी के नाम पर केंद्र सरकार क्यों है मौन और देश में बढ़ती बेरोजगारी का जिम्मेदार है कौन? बिग फाइट में बहस आज इसी अहम मुद्दे पर। हमारे साथ जुड़े बेहद खास मेहमान, चलिए उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। बीजेपी नेता मुकेश पारिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के पक्ष से एडवोकेट रितु सोमानी जी हैं, वामदल नेता डॉक्टर संजय माधव हमारे साथ हैं और साथ हैं बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि दीपेंद्र शर्मा जी। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। मुकेश पारिक जी, आपसे शुरुआत करते हैं। मुकेश जी, बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बेहद अहम था, प्रायोरिटी में केंद्र सरकार के लिए था, लेकिन इसके बाद बहुत सारे मुद्दे आए, चर्चा हुई, NRCCCA तक की हम बात कर ले, CA तक की बात कर ले, लेकिन अभी कितनी प्रायोरिटी में केंद्र सरकार के लिए बेरोजगारी है? क्योंकि बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। बेरोजगारी केंद्र सरकार की पूरी तरीके से प्रायोरिटी में है और ऐसे कई कार्यक्रम आपने देखा हो, पहले जब राजस्थान में चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय और अभी केंद्र सरकार ने ऐसे कई रोजगार के साधन और उपलब्ध करवाए हैं, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का रहा हो, चाहे वो निजी क्षेत्र में रही हो, और साथ ही साथ उनको लोन देने की जो बात रही हो, युवाओं को बिना किसी गारंटी के, बिना किसी के, लाखों युवकों को ऐसा लोन मिला कि जिससे वो खुद का रोजगार कर सके, ऐसे युवाओं को नौकरी मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसके लिए सरकार की पूर्णतया प्रायोरिटी है और उसकी ओर तेजी से काम चल रहा है। ये बात अवश्य है कि इस हमारे देश में जिस गति से जनसंख्या बढ़ी है और जिस गति से बेरोजगारी बढ़ी है, वो जरूर एक चिंता की बात है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, और रोजगार मिले ही नहीं, हमारा युवा इस लायक बने कि वो रोजगार देने के लायक बने। लेकर रहा है फिर पहले पिछली पूर्ववर्ती सरकार की हम बात कर रहे हैं प्रदेश के लिहाज से, जिस तरह से आपने कहा कि हर कोई अपना बिजनेस अपना व्यापार शुरू कर सके, इसके लिए भी मदद दी गई है, लेकिन सरकारी नौकरियों की बात करें, वैकेंसीज की बात करें, तो उस पे कितना कारगर साबित हुआ? दीपेंद्र शर्मा जी से पहले बात कर लेते, बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि हैं दीपेंद्र शर्मा जी। दीपेंद्र जी, बहुत इंतजार रहता है युवाओं को, पढ़ लिया, पढ़ाई कर ली, इसके बाद डिग्रियां हाथ में आ गई हैं, एग्जाम पर एग्जाम दिए जा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लंबा इंतजार हो जाता है, परीक्षाएं नहीं हो रही, वैकेंसी नहीं निकल रही है। किस तरह से आप इस मुद्दे को देखते हैं, कितना मानते हैं आपकी सरकार गंभीर है, क्योंकि अभी जिस तरह से एक बंपर वैकेंसी निकाली गई है? आम चुनाव के बाद देश में युवाओं में एक उम्मीद थी कि मोदी जी नौकरी देंगे लोगों को, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। राजस्थान में चुनाव होने के से पहले भी भर्तियां चल रही थी और वो भर्तियां प्रक्रियाधीन भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कारण ये रहे कि कोर्ट एक ऐसी आवश्यक शर्त बन गई भर्तियों को पूरा करने के लिए, कि उन कोर्टों के माध्यम से भर्तियाँ अटक रही हैं। ये भर्तियां अटक क्यों रही हैं, इस पे मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब आप इसको दिखवाइए कि हर भर्ती कोर्ट जा रही, इसका क्या कारण है। मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने संवेदनशीलता इस मामले में दर्शाई है, लेकिन दूसरी ओर कहीं ना कहीं
एक जो वार्तालाप है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, युवाओं के जो मैसेज हैं वो अधिकारियों के तक ही रह जाते हैं, क्योंकि कई भर्तियां नियमों के कारण, नियमों में विसंगतियां इतनी होती हैं, युवाओं को अच्छी तरह पता है जो एग्जाम देते हैं, जो खुद उस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े होते हैं वो बता सकते हैं कि नियम कैसे बनने चाहिए, और नियमों में जो कमियां हैं वो कमियों को पूरा कराने के लिए बेरोजगारों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। राजस्थान में ये स्थिति है कि 50 न्यायाधीशों की बेंचें हैं राजस्थान में, लेकिन केवल 25 न्यायाधीश ही राजस्थान में हैं, और कोर्टों में इतने मुकदमे हैं कि मुकदमे लंबी चल रहे हैं। दूसरा, कुछ अधिकारी लोग सरकार को गुमराह करते हैं और कहीं ना कहीं उनका खामियाजा बेरोजगारों को भुगतना पड़ता है, लेकिन सरकार को इसमें संवेदनशीलता दर्शानी चाहिए और एक कैलेंडर वाइज भर्तियां जारी करनी चाहिए। दूसरा, जो राजस्थान के युवा हैं वो अन्य राज्यों में एग्जाम देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका हक वहाँ उनको नहीं मिल पाता, उसी तर्ज पर राजस्थान की सरकार को भी करना चाहिए कि जो भी भर्ती परीक्षा राजस्थान में हो उनके लिए एक ऐसा पाठ्यक्रम चूज करें कि जो राजस्थान के जो शिक्षित युवा बेरोजगार हैं उनको अधिक से अधिक लाभ मिले। लेकिन अभी क्या आपको लगता है कि उम्मीद जगी है कि रोजगार अब मिले, क्योंकि जिस तरह से वैकेंसियां खुली, अभी तक तो वैकेंसी ही नहीं आ रही थी, उसका भी ये था कि दर्द था बेरोजगारों को कि जब वैकेंसी निकलेगी नहीं तो वो किस में अप्लाई करे, कैसे कोशिश करे। एक साल सरकार को आए हुए है, लेकिन एक साल में 2 बार आचार संहिता लग चुकी है, नगरीय निकायों की और ये आम लोकसभा चुनावों की, कहीं ना कहीं एक राहत भरा काम हुआ है, लेकिन अभी हाल ही में दिनों में व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार से युवा निवेदन कर रहे थे और वो कह रहे थे कि साहब ये परीक्षा जुलाई में हो, सरकार ने सुना है, अच्छी बात है, मैं सरकार का स्वागत करता हूँ इस फैसले का कि सरकार ने 3000 पदों के लिए और एक नई भर्ती स्वीकृत कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं एक दर्द युवाओं के मन में है कि 5000 पद अब हैं, 3000 बाद में आएंगे। मेरा एक सुझाव है सरकार की तरफ को कि सरकार वो माने या नहीं माने वो अलग चीज़ है, लेकिन एक युवा बेरोजगारों की तरफ सुझाव है कि दोनों भर्तियों जो सितंबर माह में 3000 पद और आने वाले हैं, दोनों को अगर एक साथ करते हैं, 8000 पदों पर एक साथ भर्ती करते हैं तो कहीं ना कहीं युवा बेरोजगारों को मानसिक शांति भी मिलेगी और आर्थिक मौका भी मिल सकेगा, और आर्थिक नुकसान होने से बचता, क्योंकि जब वैकेंसी आती है तो बच्चा अपने घर को छोड़कर जयपुर या किसी बड़े शहर में कोचिंग करने आता है, प्रति माह उसके 8 से 10 हज़ार रुपये मंथ खर्च होते हैं। उम्मीद रोजगार को लेकर ही कि जब इतनी तैयारी की जा रही है, बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, उसमें भी पैसा लग रहा है कि उसका सफलता उसका रिजल्ट मिले जब नौकरी लग जाए, और उस नौकरी तभी लगेगी जब वैकेंसीज निकलेगी, जब वो उसे मौका मिलेगा एग्जाम देने का, सिलेक्ट होने का। रितु सोमानी जी, अभी मुकेश पारिक जो को भी आपने सुना, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि गंभीर केंद्र सरकार भी है वैकेंसीज को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले, और पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने भी कोशिश की थी। क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं, क्या आप ये मानती हैं कि पहले भी कोशिशें सरकार की तरफ से जा चुकी है, फिर बीजेपी सरकार प्रदेश में थी और अब गहलोत सरकार जिस तरह से वैकेंसीज निकाल रही है, श्वेता, क्या आप मानते हैं कि कोशिशें दोनों तरफ से की गई? श्वेता, कह देने से तो कुछ भी नहीं होता है। मैं यदि मान भी लूं तो जो स्थिति सामने स्पष्ट है, केंद्र सरकार में नौकरियां नहीं है। 2014 में एक नारा था कि हर हाथ को रोजगार, और हर हाथ को रोजगार, जब आज रोजगार की बात होती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकोड़े तले तो भी रोजगार होता है, है ना। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो क्या युवाओं को बहुत ही तकलीफ दे कि क्या उन्होंने इतनी पढ़ाई जो की है वो पकोड़ा तलने के लिए तो नहीं की है ना। और दूसरी बात यह कि यदि रोजगार होता, आज प्रधानमंत्री जी हो चाहे गृह मंत्री जी हो, रोजगारी और गरीबी इस पे बात करने से बिल्कुल बच रहे हैं, कतरा रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे आर्थिक विकास मुद्दे पे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस पे जवाब देना बहुत भारी काम है और एक्चुअली इस पे कोई काम नहीं है, और स्थितियाँ इतनी विकराल हो चुकी हैं। और यदि मुकेश जी ये कहते हैं कि सब जनसंख्या इस विस्फोट और इतनी जनसंख्या, तो सब 2014 के बाद अचानक जनसंख्या नहीं बढ़ी है, इसी पे मुकेश जी कुछ कह रहे हैं। इनको एक जानकारी मैं दे दूं, जो 5000 जो व्याख्याता के पद की जो आज परीक्षा हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार की समय की वैकेंसी है। कांग्रेस की लापरवाही के कारण ये इतनी डिले होती गई और लेट हो गई। और आपकी जानकारी के लिए एक और अपडेट कर दूं तो 5000 ये जो व्याख्याता के पद है इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के समय की निकली हुई वैकेंसी है जो सरकार ने डिले करने के कारण आज हुई है। अभी एक जो सुझाव दिया देवेंद्र जी ने वो बहुत अच्छा है कि जब 3000 ये वैकेंसी की और घोषणा कर रहे हैं जिसका कोई गारंटी नहीं है, ये कह रहे हैं सितंबर या अक्टूबर में लेने की, अगर इनकी वास्तव में मंशा जो 5000 भारतीय जनता पार्टी के समय के निकली हुई वैकेंसी और 3000 अगर इनको वास्तव में और देनी है तो ये 8000 पदों की एक साथ करवाए तो मालूम चलेगा कि ये 3000 और कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो जो कहा वो किया, लेकिन अभी इन्होंने ये कहा था जब सरकार में आए थे और इसके कारण पिछले
दीपेंद्र जी भी बैठे हुए, मुकेश जी दीपेंद्र जी भी बैठे हुए, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। जी जी एक मिनट, हाँ दीपेंद्र जी, पिछले पांच साल राजस्थान में भाजपा की सरकार रही और चार साल अकाल पड़ा बिल्कुल वैकेंसियों का, एक साथ इतनी बम्पर वैकेंसियां दे दी कि युवा बेरोजगार फार्म भरते भरते परेशान हुआ, किसकी फार्म भरे, किसका एग्जाम दे, क्योंकि नहीं नहीं भाई साहब, नहीं आप लास्ट लास्ट में वैकेंसी गवर्नमेंट बच जाए, एक कैलेंडर होना चाहिए, वैकेंसियों का कैलेंडर होना चाहिए, नहीं अगर वो आपकी स्कूल व्याख्या कहता है कि समय पर निकलती बढ़ती हूँ तो उस समय पूरी हो चुकी होती है। देखिए कोई भी वैकेंसी की बात की जाए, वैकेंसी की बात की जाती है तो हर चीज वक्त में हो, आप पांच साल की सरकार, चार साल आखिरी वक्त जाने का कुछ नहीं होता है, संजय माधव का रुख करेंगे, वैकेंसी निकाल देंगे ये, क्योंकि उन्हें पता है हमारी गवर्नमेंट जाने वाली है, आपको पता होगा उसके पहले जाने वाली है, उसके पहले आपने पांच साल पहले जो काम किया था, डॉक्टर संजय माधव का पिछले सरकार भी निकाल रही थी वैकेंसी, और जिस तरह से मुकेश जी कह रहे हैं कि जो कहा वो करके दिखाया, आप इस बात से एग्री करते हैं क्या? श्वेता जी जो 2014 के चुनाव थे उस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की जनता से वादा किया कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार जो है हम देंगे। और ये हमारे सामने मुकेश जी कुछ भी कह रहे हो, जो ऋतु जी ने बताई कि वो पकौड़े वाले और सब बातें, गंभीर बयान भी इस तरह के आए, आज देश में जो है आंकड़े बता रहे हैं, सरकारी आंकड़े हैं कि 45 साल में बेरोजगारी सबसे उच्चतम स्तर पर, आज तक इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही 50 साल, आर्थिक बदहाली का दौर है, प्राइवेट नौकरियां छूट रही हैं, नौकरी पर हमले कई तरह के हैं श्वेता, एक तरफ तो ये है कि नौकरियां मिल नहीं रही, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, सरकार ने बाकायदा केंद्र सरकार के ऑर्डर है कि जो नौकरियां पद रिक्त हो रहे हैं सेवानिवृत्ति के बाद उनको खत्म किया जा रहा है, ये बाकायदा नई आर्थिक नीतियों के तहत तय तरीके से जो पद खाली होंगे उनको समाप्त कर दो आप, उनको वापस भरना नहीं है। और दूसरी बात जो नौकरी है, अभी जो श्रम कानून बदले हैं सरकार ने, केंद्र सरकार ने उस श्रम कानून को बदल करके जो नौकरियां प्राइवेट क्षेत्र में है उनको भी असुरक्षित बना दिया है, अभी नौकरी क्या है, अभी जो है संविदा पर नियुक्ति है, ठेके पर नियुक्ति है, तो नौकरियों को आज इन्होंने जो है इस केंद्र से मोदी सरकार ने मालिकों के रेमोक्रम पर छोड़ दिया है, हायर एंड फायर, मालिक को मर्जी आ नौकरी दे, मालिक को मर्जी आ निकाल दे, तो ये भी एक तरह का खतरा जो है और नौकरी के लिए पैदा किया है। और ये देखो दावे, ये आपने सही कहा, अभी अशोक गहलोत सरकार जब पिछले पांच सरकार में थी, जब जाने लगी लास्ट में तो आखिरी साल में खूब नौकरियां इन्होंने निकाली, नहीं उसका वसुंधरा जी ने भी यही किया, लेकिन अभी अशोक गहलोत ने शायद सीखा है कि पिछली बार जब नौकरी सरकार जाने वाली थी तब एक साल में नौकरियां निकाली उसके बाद भी सरकार बची नहीं, और वसुंधरा जी ने भी आखिरी साल में निकाली उसके बाद भी सरकार बची नहीं, तो शायद गहलोत जी को ये पता है कि अब की जो कुछ करना है थोड़ा पहले से करेंगे तो अच्छे परिणाम आ सकते हैं, इसलिए अच्छी बात है, किसी भी वजह से हो ये स्वागत योग्य है, बेरोजगारों के लिए नौकरियां निकले, लेकिन नौकरी का सवाल श्वेता जी खाली वैकेंसी निकालने से नहीं है, वास्तविकता यह सरकार साइम पर निकले, दूसरा सरकार रोजगार क्रियान्वयन के लिए कोई योजना बनाए, वास्तव में जिन नीतियों पर सरकार चल रही है चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो नीतियां रोजगार को खत्म करने वाली नीतियां हैं, रोजगार को असुरक्षित बनाने वाली नीतियां हैं, और आज देश का नौजवान हो, यानी आप मानते प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियां एक समान है, आप ये मान रहे हैं? नीतियां तो एक ही है, नवोदारवाद की आर्थिक नीति पर चल रही, दोनों एक ही पार्टी, दोनों एक ही नीति चल रही है, और उन नीतियों में रोजगार जो है ये सिर्फ थोड़े तो जी इसका जरा एक कमेंट दीजिए, एक जैसा जो रोजगार की बात कर रहे हैं हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार निकाला है और 4 साल आगे है, और यदि उस 4 साल में इन रोजगार का क्रियान्वयन नहीं होता है तो सरकार की फेलियर सामने आ जाएगी, और क्रियान्वयन यदि पहले साल निकाला है तो ये तय सी बात है कि आने चार साल जो है उन नौकरी के क्रियान्वयन के लिए बहुत होते हैं और इसलिए रिजल्ट आएगा। और दूसरा मैं आपके एक चीज और एड ऑन करना चाहती हूँ, जो आप कह रहे हैं केंद्र सरकार की स्थिति ये है कि जितने भी सरकारी उपक्रम है करीब करीब उनको प्राइवेटाइजेशन पे लेके रही है, क्या ये स्थिति अच्छी
अच्छी है, मतलब इतनी भयावह स्थिति में आ चुका है। देखिए आप इसका जवाब दीजिए, आज आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एक मातुर साहब आप भी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो कांग्रेस कहती थी कि हम राजस्थान रोडवेज की हालत सुधारेंगे। आज राजस्थान रोडवेज की क्या हालत हो रही है, ये आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हो। और केंद्र में एक सुनिए, केंद्र सरकार की सुनिए, आप सुनिए तो सही, केंद्र सरकार की सरकार को आए हुए 10-11 महीने हुए नहीं है। आपकी बात पर ही बात करते हैं, तुझे मुकेश अभी आपने कहा कि रोडवेज की हालत खराब, रोडवेज की हालत खराब है, 5 साल तो आपकी सरकार और सुनिए ना, उसके बाद क्या आपने नहीं सुधारा, ये आपने खराब कर दिया। अस्पताल की दे दिए इनके हिसाब से तो परिवार कांग्रेस सरकार क्या, कांग्रेस सरकार क्या कहती है और क्या करती है। अरे आप सुनिए, कांग्रेस सरकार जो कहती है उस पर प्रदेश का युवा कोई विश्वास नहीं करता, उसका कारण मैं बताता हूँ। आप जब सरकार में आए तो आपने कहा बेरोजगारों को भत्ता देंगे, उस भत्ते का नहीं, एक मिनट सुनिए, लोगों को दिया था नहीं आ रहा, उसमें पहले ये नियम थे क्या कि हम इनको देंगे और इनको नहीं देंगे। एक मिनट पूरा आप उसको पढ़िए कि उसमें क्या लिखा है कि हम यहाँ के बेरोजगार युवकों को भत्ता देंगे, फिर उसमें आपने कितनी लाइनें जोड़ दी कि उसकी ये चीज पूरी करेगा तो देंगे, ये करेगा तो पूरी देंगे। आपने एक बात कही, मैं केंद्र सरकार की बार बताता हूं, मुद्रा लोन से जिस युवाओं को लोन मिला लाखों लोगों को, क्या उनको रोजगार नहीं मिला? आप कौन सी बात करते हैं कि उनको अभी मुकेश जी ने जो कहा कि आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि देखिए हर सरकार जो भी आती है वो दावे यही करती है कि हमने जो कहा वो किया, हमने वैकेंसीज दी, हमने इतनी सारी वैकेंसी निकाली, लोगों को रोजगार दिया, जमीनी स्तर पर क्या वाकई में ऐसा हुआ है? आप जरा बेहतर बताइए। नहीं हुआ होता तो शायद क्लीन स्वीप नहीं हुआ होता, क्योंकि देखो युवा इस देश में सबसे ज्यादा युवा शक्ति ही है और रोजगार एक पहली प्राथमिकता होती है, रोटी कपड़ा मकान के बाद एक रोजगार पहली प्राथमिकता होती है। और अगर युवा संतुष्ट हैं, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट उनका होता है, युवा संतुष्ट हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका साथ देते हैं। आपको जो जो भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक प्लान सिस्टमेटिक करना चाहिए, कैलेंडर फिक्स करना चाहिए, ये भर्ती आएंगी इसी साल में पूरे हो जाएंगी। भर्ती आती इस साल है, पूरे होने में 3 साल लग जाते हैं, वो भी कोई जरूरी नहीं हो जाए। 2013 से कई भर्तियां पेंडिंग चल रही हैं, 2016 की जो साइंस मैथ की, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ सरकार को भी, 2016 की साइंस मैथ की 960 में से 870 पोस्टें खाली पड़ी है, अभी तक वेटिंग नहीं निकल पा रही। आपको लगता है कि जो पेंडेंसी पहले उसको पहले क्लियर करना चाहिए, कंडीशन पेंडेंसी, क्योंकि युवा इस तरह से आप क्लियर कर सकोगे, क्योंकि नई नई भर्तियां निकालना चाहिए समाज के माध्यम से हो सकता है। श्वेता जी, ये जो मुकेश जी कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार का वादा था, 5 साल में 10 करोड़ रोजगार दिए होते तो आज स्थिति दूसरी होती देश की। दूसरी बात जो साथी अपने दूसरी बात ये तो अगर ये डिबेट चुनाव लड़ते दूसरी बात श्वेता जी, श्वेता जी एक और बात भी है, बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है वो आगे भी जल्द से जल्द पूरी हो, जिस तरह से कठिनाइयां इन रोजगार को लेकर आ रही है युवाओं को वो पूरी हो, वो दूर हो यहाँ पर, ये जरूर जो युवा बात जो रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर नौकरियां मिले, जल्द से जल्द वैकेंसीज निकले, तारीख आए एग्जाम की ताकि वो आगे बढ़ सके, ये कोशिश अगर सरकार कर रही तो हो सकता है उम्मीदों पर खराबी उतरे। चलिए इस बीच बड़ी और अहम खबर से भी आपको रूबरू करा देते।